Solvay Process. Solvay Process was devised by the Belgian chemical engineer Ernest Solvay in 1864. Nearly all sodium carbonate is manufactured by this process. Sodium carbonate is commercially prepared by the Solvay process, which makes use of the fact that sodium bicarbonate is less soluble in cold water than sodium chloride. The raw materials required for this process are sodium chloride, limestone, and ammonia gas. Shown here is a schematic diagram of the plant used in Solvay process. Click on each part to know more about them. Observe closely the direction of movement of the arrows to understand the process that takes place in the plant. The flow chart for the Solvay process is depicted here for easy understanding of the process.
साल्वे अमोनिया जो प्रोसेस है आपका वो इस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है कि आपका जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है वाटर में सोडियम क्लोराइड के मुकाबले कम सॉल्युबल होता है। तो यदि इसके साथ सॉल्यूशन में सोडियम क्लोराइड भी है तो आपका और सॉल्यूशन सैचुरेटेड है तो आपका ये बहुत जल्दी प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि भाई इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है अमोनिया प्लस CO2 प्लस वाटर या आपके NH4 HCO3 बनाते हैं जिसकी आप NaCl से रिएक्शन कराते हैं। तो आपका NaHCO3 बन जाता है, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो आपका प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, ठीक है। और ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट आपका प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है इसको हम स्ट्रॉन्गली हीट करते हैं। ये आपका डिकम्पोज हो जाता है। तो इसमें जो आपको रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं इस प्रोसेस को कंडक्ट करने के लिए, एक तो आपको NaCl चाहिए होता है जो आप ब्राइन के रूप में ले लेते हैं, दूसरा CO2 प्रोड्यूस करने के लिए आप लाइमस्टोन ले लेते हैं, और अमोनिया ले लेते हैं। अमोनिया सॉल्यूशन की हमें स्टार्टिंग में रिक्वायरमेंट होती है, बाद में तो वो लगातार प्रोड्यूस होती ही रहती है। साल्वे अमोनिया प्रोसेस, साल्वे अमोनिया प्रोसेस में हम लोग जो है ये आपका अमोनिया एब्जॉर्बर टावर होता है, जिसमें यहां से आप ब्राइन सॉल्यूशन पास करते हैं जो 30% NaCl सॉल्यूशन होता है, ठीक है, और ये आपका कार्बोनेशन टावर होता है, ठीक है, दिस इज फिल्टर वन, दिस इज फिल्टर सेकेंड, ठीक, ये आपकी लाइन प्लेन होती है, ठीक है, यहां पर आपका वाटर होता है, यहां आप स्टीम पास करते हैं, ठीक है, ये आपका अमोनिया रिकवरी टॉप। तो यहां पर जब आप ब्राइन सॉल्यूशन पास करते हैं NaCl का, उसमें जो है आपकी अमोनिया आ जाती है और CO2 आ जाती है लिटिल प्लस वाटर, ठीक है। तो आपका जो है मैग्नीशियम और जो कैल्शियम के जो सॉल्ट होते हैं वो आपके हाइड्रोक्साइड्स के रूप में प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आपका अमोनिया प्लस H2O आपका NH4OH बना देता है, ये आपका कैल्शियम के सॉल्ट के साथ रिएक्ट करके और मैग्नीशियम के सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है और आपका CaOH की फोर ट्वाइस प्लस MgOH की फोर ट्वाइस बना देता है, ठीक है, और ये जो प्रेसिपिटेट आउट आपके हो जाते हैं प्लस अमोनियम क्लोराइड बन जाता है, ठीक है। तो ये आपके प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं, इसको पहले हम फिल्टर में पास आउट कर लेते हैं। यहां से जो है आपका NaCl अमोनिएटेड ब्राइन, ठीक है, यहां से हम आपका जो NaCl प्लस अमोनिया, ठीक है, प्लस वाटर प्लस लिटिल CO2 वगैरह, जिसको आप लोग कंबाइनली क्या कह सकते हैं, अमोनिएटेड ब्राइन, ये सॉल्यूशन में यहां पर कार्बोनेशन टावर में आती है। यहां से आपकी CO2
जो है इसमें पास आउट होती है, ठीक है। तो जो CO2 आपकी पास आउट होती है वो आपका यहां पर आपका जो है सबसे पहले NH3 प्लस CO2 प्लस H2O आपका अमोनियम HCO3 बना लेते हैं, ये आपका NaCl से रिएक्ट करता है, और आपका NaHCO3 प्लस NH4Cl बना लेता है। ये जो है आपका यहां पर प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, जिसको हम अलग कर लेते हैं और इसका कम्बशन करते हैं हम तो आपका सोडियम, आपका सोडियम कार्बोनेट बन जाता है, ठीक है। तो आप जो है इस टावर में आपका ये काम होगा, तो इसको हम अमोनेटेड ब्राइन वगैरह हो जाती है, और यहां से जो NH4Cl बचा प्लस CO2 वगैरह कुछ भी जो बचती है वो आप अमोनिया रिकवरी टावर में दे देते हैं। यहां पर ये लाइन क्लीन होता है, लाइन क्लीन में आप जो है CaCO3 को प्रोवाइड करते हैं, तो CaCO3 ठीक है लाइन क्लीन में हीट करने पर CaO प्लस CO2 इसको रिलीज करता है, ये CO2 आप यहां पे पास कर देते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहां पे पास कर देते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड ये जो है लाइम आपका वाटर से रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, जिसको आप यहां पर भेज देते हैं, ठीक है। ये आपका जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है यह आपका अमोनियम क्लोराइड से रिएक्ट करके अमोनिया को रिप्रोड्यूस कर देता है, होल ट्वाइस प्लस ये आपका बना CaCl2 प्लस NH3 प्लस H2, ठीक है। यहां से जो अमोनिया है आपकी ये वापस चली जाती है, ठीक है। तो ये आपका अमोनिया रिकवरी टावर होता है, और कैल्शियम क्लोराइड जो है आपको बाय प्रोडक्ट के रूप में मिलता है, ठीक है। तो देखो ये जो प्रोसेस है इसमें आपको आम के आम और गुठलियों के दाम मिलते हैं, मतलब दोनों ही चीजें आपको प्रोड्यूस होती है, अमोनिया लगातार प्रोड्यूस होती रहती है, तो आपको अमोनिया की जरूरत नहीं बन पड़ती, एक बार अमोनिया आपने रिएक्शन स्टार्ट करी उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आती, सिर्फ आपको जो रॉ मेटीरियल्स है आपके ब्राइन NaCl और कैल्शियम ऑक्साइड की ही जरूरत रहती है, बाकी आपको कोई वो नहीं रहती, ठीक है। तो ये आपका जो है सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस का प्रोसेस। सो पहले आप जो हो इस क्वेश्चन पर अपने इस वीडियो को स्टॉप कर दें और इस क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करें, और उसके बाद जो है आप इसके सॉल्यूशन को देखें। ये आपका जो क्वेश्चन है IIT 99 में आया हुआ है, और इसमें जो है आपको ABCD को आइडेंटिफाई करना है, सॉल्वे प्रोसेस पर ही आया हुआ है। तो सबसे पहले ए, तो कैल्शियम ऑक्साइड और जो वाटर है ये आपके रिएक्ट करके क्या बना देंगे, तो ये आपका ए हो, ठीक है। बी क्या है आपका, कि आपका जो है CO2 NH3 और वाटर ने रिएक्ट करा है, तो बी आपका NH4 NHCO3 है, जो आपका NH3 प्लस CO2 प्लस वाटर की रिएक्शन से बन रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका आपका जो है C के बारे में आया, तो C जो है आपका NaHCO3 से आपका CO2 भी बन रही है, वाटर बनना और ये बन रहा है, तो इसमें आप क्या करते हैं, C जो है आपका Na2CO3 है, दिस वन इज C, आपने NaHCO3 को हीट करा, ठीक है, तो आपका प्लस CO2 बनी प्लस वाटर, ठीक है। और इसके बाद जो है आपका D है, ठीक है, तो D जो है आपका जो आपका NH4 HCO3 और इसकी रिएक्शन से बना है, ठीक, तो NH4 D जो है आपका NH4 Cl, ये आपका जो है Na
HCO3 प्लस NH4 HCO3 प्लस NaCl की रिएक्शन से बना प्लस NaHCO3। ठीक है, अब E क्या है आपका? E जो है आपका CaCl2 है, क्योंकि जो E है आपका वो CaOH की होल ट्वाइस प्लस NH4Cl की रिएक्शन से बन रहा है। यहां पे आपकी अमोनिया बन गई प्लस वाटर बन गया। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन IIT का है, जो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं।